अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चना दाल नमकीन की रेसिपी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्नैक है। और चना दाल नमकीन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हमें चने की दाल चाहिए। मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आप चाहे इसको 4 से 5 घंटे भिगो के रख दें। और इसका मैंने पानी निकाल के किचन टाल के ऊपर इसको मैंने फैला दिया है। ऑयल हमें चाहिए फ्राइंग के लिए। टमाटर हमें चाहिए चॉप्ड किया हुआ 2 टेबल स्पून। मैंने 2 टेबल स्पून टमाटर लिया है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून ही हमें चॉप्ड की हुई प्याज चाहिए। 1 हरी मिर्च चाहिए। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून हमें नमक चाहिए। पेपरिका पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। और चाट मसाला हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो चने की दाल है इसको पैट ड्राई कर लेंगे इस तरह किचन टॉवल से, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से पैट ड्राई करने के बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अभी ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी आयल को मैंने ऊपर रख दिया था और आयल गरम हो गया है। जैसे ही आयल गरम हो जाएगा हम एक स्ट्रेनर में आधी चने की दाल डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर है तो आप सारी चने की दाल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और इस तरह मुसलसल हमने इसको चम्मच के साथ हिलाते जाना है। अभी देखिए इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अभी मैं चुप करूंगी और आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। तो चने की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसी तरह जो बाकी हमने छोड़ी थी उसको भी इसी तरह हम स्ट्रेनर में डाल के फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हाई फ्लेम पे ये परफेक्टली डन हो जाती है। चने की दाल हमारी रेडी हो चुकी है और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इसमें ये जो सारे मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये टी टाइम स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको हम अब दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस नमकीन को आप एयरटाइट जार में भी रख सकते हैं और जब आपका खाने को दिल चाहे आप इसको एक छोटे से बाउल में निकालें और उसके ऊपर आप ज़्यादा सारे टमाटर, प्याज और लेमन निचोड़ के इसको आप इंजॉय करें। ये बहुत टेस्टी स्नैक बनता है। आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद चाट मसाला डालना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी मैंने काफ़ी टाइम पहले बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये रेसिपी भी पड़ी हुई है। लेकिन जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा इसको भी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप कि आपको मेरी ये चना दाल नमकीन की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये बच्चों, बड़ों, सभी की बहुत ही फेवरेट है। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए, चना दाल नमकीन हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।